बोलो दुआ, क्या तुम अपना शौहर दे सकती हो? गजादम मंजूर है। जो तुम चाहोगी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। बस ये बच्चियां मेरे हवाले कर दो। यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच में मुझे अपनाएंगे? हाँ। क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बाहों में रहूंगी? अगर मैं आपके प्यार में पागल हूँ, बेवकूफ नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर लूंगी, मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप इस चुड़ैल दुआ के सिवा और किसी के नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए एक शर्त पर मैं बच्चे आपको देने के लिए तैयार हूँ। कैसी शर्त? शर्त ये है कि दुआ को इस खाई में कूद कर खुदकुशी करनी होगी। जब तक ये दुआ जिंदा है तब तक आप मेरे नहीं हो सकते, इसीलिए दुआ को अपनी कुर्बानी देनी होगी ताकि ये बच्चियां बच सके। गजल, वो चीज मांगो जो तुम्हें मुकम्मल मिल सके। ऐसी शर्तें मत रखो जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे मनने मानने की बातें छोड़ दो गजल, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखो गजल, मैं जानता हूं तुम गुस्से में, लेकिन ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मेरी बात सुनो, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे तुम्हें भी अफसोस हो। मैं तुम्हें अपनाने के वहीं रुक जाओ। हैदर, वरना अपनी बच्चियों से हाथ धोना पड़ेगा, मैं इन्हें नीचे फेंक दूंगी। शर्त तो यही रहेगी। और वैसे देखा जाए हैदर, तो बच्चियों की जान के बदले मैं दुआ की जान मांग रही हूँ। देखा जाए ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। क्यों दुआ, क्या तुम अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, उनकी खुशी के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकती?